आईपीएल 2023 का एलिमिनेटर लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों के कप्तानों ने अपनी अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया है। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार कुणाल पांड्या और रोहित शर्मा किन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे, तो साथ ही कौन सा खिलाड़ी होगा दोनों टीमों का इम्पैक्ट प्लेयर। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते कि आपकी फेवरेट टीम एलिमिनेटर में शानदार जीत दर्ज करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों हम जानते हैं दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों अब तक आईपीएल 2023 के मुकाबलों की बात करें तो मुंबई इंडियंस 8 मुकाबले जीतकर प्ले ऑफ में पहुंची, तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी 8 ही मुकाबले जीतकर प्ले ऑफ में पहुंची। लेकिन दोस्तों अब तक दोनों टीमों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 3 मुकाबले हुए हैं और तीनों मुकाबलों में लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत दर्ज की है। यानी कि दोस्तों मुंबई इंडियंस को अब तक जीत नहीं मिली है लखनऊ की टीम के सामने। ऐसे में यहाँ पर वो चाहेगी कि अपना खाता तो खोले, साथ ही यहाँ पर क्वालिफाई टू में जगह पक्की करे। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बारे में। तो दोस्तों लखनऊ की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरेंगे क्यूटन डिकॉक, तो उनके साथ होंगे कर्ण शर्मा को यहाँ पर एक बार फिर मौका देना चाहेगी ये टीम ओपनिंग करते हुए, क्योंकि अब तक इस टीम का ओपनिंग पेयर उतना अच्छा नहीं रहा है। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर परेरक मांकड़ उतरेंगे, तो नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे मार्को स्टोइनिस। तो वहीं पर नंबर 5 पर टीम के कप्तान कुणाल पांड्या उतरेंगे, तो नंबर 6 पर आयुष बदोनी उतरने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो बल्लेबाजी काफ़ी लंबी है इस टीम के पास, क्योंकि नंबर 7 पर भी बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन नजर आएंगे, तो नंबर 8 पर इसके बाद रवि बिश्नोई उतरेंगे। वहीं पर नंबर 9 की बात करें तो नवीन उलक उतरेंगे, तो नंबर 10 पर मोहसिन खान उतरने वाले हैं, जबकि नंबर 11 पर हमें यश ठाकुर खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर अब हम बात करते हैं इस टीम के इंपैक्ट प्लेयर की, तो दोस्तों यहां पर हमें नजर आएंगे कृष्णप्पा गौतम, क्योंकि चेन्नई की पिच टर्न वाली रहने वाली है, स्पिनर्स को मदद मिलेगी। तो ऐसे में यहां पर इस टीम के लिए बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में कृष्णप्पा गौतम बड़ा रोल निभा सकते हैं। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की, तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम इस में काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रही हैं। पारी की शुरुआत ईशान किशन और रोहित शर्मा करेंगे। दोनों की फॉर्म की बात करें तो धीरे धीरे दोनों काफ़ी अच्छी फॉर्म में लौट चुके हैं। तो वहीं पर पिछले मुकाबले में शानदार शतक जमाने वाले कैमरून ग्रीन नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 47 गेंदों पर 8 चौके व 8 छक्कों की मदद से इन्होंने बेहतरीन शतक जमाया था। तो ऐसे में यहाँ पर फिर से इनसे बड़ी पारी की उम्मीद जरूर करेगी मुंबई इंडियंस की टीम। तो वहीं पर नंबर 4 पर एक और विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव खेलने वाले हैं। सूर्य ने भी पिछले मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी की थी, तो एक बार फिर यहां पर भी वो कमाल की बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 5 पर टीम डेविड खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 6 पर निहाल वदेरा उतरेंगे। वहीं पर नंबर 7 पर इस टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे क्रिस जॉर्डन, तो नंबर 8 पर पीयूष चावला उतरेंगे। नंबर 9 पर जेसन बैरनड्रॉप उतरेंगे, तो नंबर 10 पर कुमार कार्तिकेय उतरने वाले हैं, जबकि नंबर 11 पर आकाश माधवाल उतरेंगे। लेकिन दोस्तों इस टीम के इम्पैक्ट प्लेयर की हम बात करें तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर तिलक वर्मा हमें खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी लाइनअप को और भी मजबूत करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखा जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम भी काफ़ी खतरनाक नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस एलिमिनेटर में किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है। तो दोस्तों मुकाबला तो होगा चेन्नई में, यानी कि किसी भी टीम को होम एडवांटेज तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी जरूर काम कर सकती है। लेकिन दोस्तों फिलहाल विन प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो 47% चांस है कि लखनऊ इस मुकाबले को जीतेगी, जबकि 53% चांस है कि मुंबई इंडियंस बाजी मारेगी। आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत सकती है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।